सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीपावली प्रकाश का त्योहार है, हालांकि इस वर्ष की दीपावली काफी प्रभावित है क्योंकि हम सब लोग कोरोना काल में काफी प्रभावित रहे और अभी भी हैं। खैर कोई बात नहीं, खुशियां आती रहती हैं, कभी कभार कम हो जाती हैं, तो हमें इसका ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। चलिए आप अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह सन 2019 में यह प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया था और यह प्रश्न जो है ना वो 5 नंबर में पूछा गया और इसका केवल चित्र पूछा गया था। इस प्रश्न का केवल चित्र पूछा गया था, 5 नंबर में पूछा गया था कि वृषण की आंतरिक संरचना का एक चित्र खींचिए। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे मैं वृषण की संरचना के बाह्य संरचना के बारे में मैं आपको नर्जनन तंत्र में पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज हम मोस्टली इसी की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए वृषण वैसे तो संख्या में 2 होते हैं, है ना, और 2 वृषण होते हैं जो कि वृषण कोष के अंदर स्थित होते हैं। तो आज हम अंदर की बात करेंगे कि मोस्टली जो वृषण जो हैं उनकी स्थिति क्या होती है और उनके अंदर क्या क्या देखने को हमें मिलता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो वृषण जो है ना वो एक विशेष प्रकार की एक झिल्ली के द्वारा, एक विशेष प्रकार के एक आवरण के द्वारा जो है वो ढका रहता है। इस विशेष प्रकार की झिल्ली को जहां मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ना, इसे हम पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं, इसे हम पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, पेरिटोनियम झिल्ली के ठीक नीचे एक और झिल्ली पाई जाती है, एक और स्तर पाया जाता है जहां पर ये पेंसिल घुमा रहा हूं। इस स्तर को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा यह ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर अगर हम बात करें, स्पेशली अगर हम देखें तो हमें एक विशेष प्रकार के खंड दिखाई देते हैं, बहुत सारे खंड दिखाई देते हैं। इन खंडों को हम वृषण खंड कहते हैं और वृषण खंड जो है वो एक वृषण में, वृषण खंड की जो संख्या जो होती है वो एक वृषण में 250 होती है, यानी एक वृषण में 250 खंड होते हैं। तो दोनों वृषणों में कितने खंड हुए? 500 हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक वृषण में 250 या 250 वृषण खंड पाए जाते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक वृषण के अंदर, एक वृषण खंड के अंदर हम बात करें तो हमें 1 2 3 1 2 3 यानी हम देख रहे हैं कि सभी में हमें 3 3 नलिकाएं दिखाई दे रही हैं। एक वृषण खंड के अंदर अगर हम बात करें तो हमें 3 3 नलिकाएं दिखाई देती हैं। इन्हीं नलिकाओं को हम कहते हैं शुक्र जनन नलिकाएं, सेमीफेरस डक्ट, इन्हें हम शुक्र जनन नलिकाओं के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक वृषण खंड में शुक्र जनन नलिका, प्रत्येक वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं 3 होती हैं। तो इन टोटल एक वृषण के भीतर कितनी शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं? तो 250 मल्टीप्लाई 3 यानी 05 यानी 750। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे याद करके रखेंगे क्योंकि ऐसी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वृषण खंड की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। एक वृषण खंड के अंदर शुक्रजन नलिका की संख्या 3 होती है, तो एक वृषण के अंदर 750 यानी 750 शुक्रजन नलिकाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, हम समझ गए कि एक वृषण है जो बाहर से एक झिल्ली से ढका है, जिसे हम पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं, और पेरिटोनियम झिल्ली के नीचे एक और स्तर है जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। हमने अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर देखा तो हम देख रहे हैं कि वृषण के भीतर हमें बहुत सारे खंड दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम वृषण खंड या वृषण कक्ष कहते हैं। और एक वृषण के अंदर, एक वृषण खंड
1% के भीतर 250 प्रसरण खंड दिखाई दे रहे हैं। अब हम प्रसरण खंड के भीतर जाकर हमने देखा तो पाया कि हमें प्रत्येक प्रसरण खंड में तीन तीन नलिकाएं दिखाई दे रही हैं। इन नलिकाओं को हम शुक्र जनन नलिकाओं के नाम से जानते हैं। हैं तो एक प्रसरण खंड में तीन नलिकाएं, तो पूरे प्रसरण में कितनी नलिकाएं हुई? वेरी गुड, कितनी? 750 नलिकाएं हुई। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। चलो अब हमने क्या देखा कि हम प्रसरण के भीतर पहुंच गए हैं, हैं नलिकाओं के भीतर पहुंच गए हैं। तो प्रत्येक नलिका को यदि काटा जाए, पहले हम मोस्टली बाहर का पढ़ते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। ठीक है, अब ये प्रसरण शुक्रजन नलिकाएं जो है ये आपस में मिल जाती हैं और एक जाल जैसा, देख रहे हैं ना आप, यहां से लेके यहां तक एक जाली जैसी संरचना बन जाती है। इसे हम कहते हैं प्रसरण जालक। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रसरण जालक के नाम से जानते हैं। और यही प्रसरण जालक, यही नलिकाएं प्रसरण जालक से कुछ 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं, जो एक विशेष प्रकार की कुंडलित रचना का निर्माण कर लेती हैं। इस पूरी कुंडलित नलिका को हम कहते हैं अधिवृषण। क्या कहते हैं? अधिवृषण या इपिडिडाइमस। क्या कहेंगे? अधिवृषण या इपिडिडाइमस कहते हैं। इसकी लेंथ 6 मीटर होती है, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है इपिडिडाइमस की, यानी अधिवृषण की। और ये नलिका कुंडलित होती है। इस नलिका का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे हम कैपुट कहते हैं, मध्य के भाग को हम कार्पस बोलते हैं, सबसे निचला भाग जो हल्का सा सीधा होता हुआ दिखाई देता है जिसे हम कॉडा कहते हैं, और लास्ट में यही इपिडिडाइमस यानी अधिवृषण नलिका धीरे धीरे सीधी हो जाती है जो शुक्रवाहिनी का निर्माण कर लेती है। ठीक, आई बात समझ में? अब हम अंदर ले चलते हैं आपको। तो अंदर क्या करें, अब यहाँ पर गौर से देखना, मैंने तो यहाँ पर आपस में चिपकी हुई संरचनाएं दिखाई है, लेकिन आप अगर वास्तव में इन्हें देखेंगे तो इनके बीच में कुछ अंतराकोशीय अवकाश होता है, इस टाइप का हल्का हल्का सा हमें अवकाश देखने को मिलता है। जैसे मैंने दो तीन बना देता हूं, चलिए मैंने आपको ये तीन नलिकाएं बनाई हैं और इन नलिकाओं का नाम है शुक्रजनन नलिकाएं हैं, और ये मैंने वृषण का एक खंड बनाकर तैयार कर दिया है। तो अगर हम वृषण इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच बीच में देखें तो पता है हमें क्या क्या दिखता है? हमें यहाँ पर तंत्रिकाएं दिखाई देती है, तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिकाएं दिखाई देती हैं हमें यहाँ, और हमें दिखाई देती हैं रक्त नलिकाएं दिखाई देती हैं। समझ में आई? क्या क्या दिखाई देती हैं? रक्त नलिकाएं भी दिखाई देंगी। और इसके अलावा संयोजी ऊतक यहाँ पर भरा होता है। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सारी कोशिकाओं को मिलाकर हमने इन्हें एक नाम दे दिया, अंतराली कोशिकाएं। हमने यहाँ पर लिखा है, ए एरो लगाकर लिखा है, अंतराली कोशिकाएं। इन्हें हम लीडिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं, हम लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। अंतराली कोशिकाएं मीन्स इन दोनों नलिकाओं के बीच में जो अंतर है, जो खाली जगह है, यहां पर ये उपस्थित हैं, इसलिए इनका नाम अंतराली कोशिकाएं पड़ गया। इसकी खोज वैज्ञानिक लीडिंग ने की थी, इसलिए इनका नाम लीडिंग सेल पड़ गया। ठीक, आई बात समझ में? लीडिंग कोशिकाएं समझ गए ना? हाँ, और लीडिंग कोशिकाओं का बड़ा इंपोर्टेंट रोल रहता है। जो लीडिंग सेल्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती हैं, और यही वो हार्मोन होता है जो नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। अब वेरी वेरी आईएमपी है कि नर के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है? वेरी गुड, टेस्टोस्टेरोन उसका नाम होता है। और वह किसके द्वारा स्रावित होता है, किस कौन छोड़ता है उसे? अंतराली कोशिका। बहुत सुंदर, आप समझ गए। ठीक है, आगे देखिए। अब हम चल रहे हैं कि अगर हम इन शुक्रजनन नलिका को काट कर देखें, भीतर की ओर देखें, तो हमें भीतर की ओर क्या दिखाई देता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अब हमने क्या किया कि शुक्रजनन नलिका को लिया और बीच में से कट कर दिया, अब हमें शुक्रजनन नलिका का ये वाला भाग देखने को मिल रहा है। अब उसके अंदर देख रहे हैं, तो हमने उसको अंदर देखा तो हमें दो प्रकार की कोशिकाएं मुख्यतः दिखाई दे रही हैं। ये कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी हैं और दूसरी कोशिकाएं अपने आकार में छोटी छोटी दिखाई दे रही है। ठीक है, इन कोशिकाओं को हमने कहा स्पर्मेटोगोनिया। इन कोशिकाओं को हमने स्पर्मेटो
गोनिया कहा। क्या कहा? इन कोशिकाओं को हमने स्पर्मेटोगोनिया नाम दिया। क्या नाम दिया? स्पर्मेटोगोनिया कह दिया। ये वही कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु बनाने का काम करती हैं। तो शुक्राणु को कौन बनाता है? स्पर्मेटोगोनिया। इन्हें प्राइमरी जर्म सेल भी कहते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है? शुक्राणु बनाती है। अब हम बड़ी बड़ी कोशिकाओं के पास गए जो आकार में बड़ी थी, इन्हें हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें हम सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं बड़ा मुख्य काम करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो शुक्राणु बनाकर तैयार कर देती है और सर्टोली कोशिकाएं उन्हें भोजन देती हैं, सहारा देती हैं और इस तरह से शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं। सर्टोली कोशिकाओं के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आंसर है वृषण। अगर कोई ये पूछ दे कि वृषण में कहाँ पाई जाती हैं, तो शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर पाई जाती हैं सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। और जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं? वो हमें शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी वृषण की आंतरिक संरचना एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई है। कहाँ क्या होता है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाहर से अंदर की ओर आइए और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करें। आप कहें कि वृषण के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसके जो वृषण को ढककर रखती है, उसे हम पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली के भीतर एक और स्तर होता है जिसे हम ट्यूनिका एल्विजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्विजिनिया के नीचे देखा है संयोजी ऊतक भरा होता है और हमें कुछ विशेष खंड दिखाई देते हैं। इनकी संख्या एक वृषण के भीतर कितनी होती है? 250 होती है और प्रत्येक खंड में तीन तीन नलिकाएं देखने को मिलती हैं। इन्हें हम शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। हैं? कुल एक वृषण में इनकी संख्या 750 होती है। शुक्रजनन नलिका के अंदर जाकर देखते हैं तो हमें दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। बड़ी कोशिकाओं को सर्टोली कोशिकाएं, छोटी कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु का निर्माण करती है, सर्टोली कोशिकाएं इन्हीं शुक्राणुओं को भोजन और सहारा देने का काम करती हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। समस्त जितनी भी हमारी शुक्र नलिकाएं हैं वो सब आपस में मिलकर एक जाल जैसी संरचना का निर्माण करती हैं, इसे हम वृषण जालक कहते हैं। और इस जाल जैसी संरचना से 15 से 20 नलिकाएं निकलती हैं जो आपस में मिलकर एक कुंडलित 6 मीटर लंबी एक नलिका का निर्माण करती हैं, जिसे हम एपिडिडाइमस या अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण का सबसे ऊपरी वाला भाग कैपुट कहलाता है, मध्य के भाग को कॉर्पस कहते हैं और निचला भाग हल्का सा सीधा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम कॉडा कहते हैं। और लास्ट में ये पूरी तरह से सीधा हो जाता है जिसे हम शुक्रवाहिनी के नाम से जानते हैं। एनी डाउट सर? नो डाउट। आप इसे अच्छे से लर्न करके रखना। और एक बार पुनः दिवाली की शुभकामनाएं है। दिवाली बड़े प्रेम का त्यौहार है ना, और इसे हमें बड़े अच्छे से मनाना चाहिए और पटाखे बड़े सावधानी पूर्वक चलाएं, हैं, क्योंकि खुशियों का त्यौहार है, कहीं कोई गलत काम नहीं हो जाए। और ज्यादा नहीं चलाना है धुएं वाले पटाखे क्योंकि प्रदूषण भी इससे हो सकता है, ठीक है। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।